जहां पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के गठबंधन बसपा और सपा के गठबंधन पे नजर लगी हुई है, वहीं बहन कुमारी मायावती ने पहली सूची बीएसपी की जारी कर दी है। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 11 लोकसभा के प्रत्याशी तय किए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के गठबंधन तय की है। अपने कोटे की निम्न 11 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान, ये अपने समाज के मुस्लिम समाज के बहुत चर्चित चेहरे हैं और अपनी वोट बैंक के अंदर बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान जी। वहीं बिजनौर से हैं मलूक नागर जी, और ये नागर का समाज में बहुत अच्छी अपनी पहचान रखते हैं और बहुजन समाज को अपनी सीट दिलवाने के लिए पूरी ताकत लगाने लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि मलूक नागर जी ने अपना प्रचार प्रसार पहले से शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन मैं बहुजन समाज के लिए कार्य करता रहूंगा। वहीं नगीना से रिजर्व सीट है एससी की, और ये लेते हैं गिरीश चंद्र जी। और गिरीश चंद्र जी अपने आप में एक बाहुबली नेता हैं और अपनी सीट को पहले से ही रिजर्व करके चल रहे हैं, और बहुत अच्छी वोटों से बहन कुमारी मायावती को आश्वासन दिया है कि ये सीट मैं उनको झोली में दूंगा। वहीं अमरोहा से हैं कुंवर दानिश अली, जो मुस्लिम समाज से हैं और बहुत अच्छी मजबूत रखते हैं ये भी सीट अपनी। वहीं मेरठ से हाजी मोहम्मद याकूब हैं, गौतम बुद्ध नगर से सतबीर नागर जी हैं, बुलंदशहर से ये रिजर्व सीट है बुलंदशहर की, और यहाँ से हैं योगेश वर्मा जी। योगेश वर्मा बहुत चर्चित चेहरे हैं और बहुजन समाज के अंदर भी अपनी बहुत मजबूत पहचान रखते हैं। अलीगढ़ से हैं अजीत वालिया जी हैं, और आगरा से हैं ये रिजर्व सीट है आगरा की, मनोज कुमार सोनी हैं। आगरा से फतेहपुर सीकरी से राजबीर सिंह हैं, वहीं आंवला से श्रीमती जी वीरा जी हैं, और ये सारे के सारे वो चेहरे हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं और बहुत बड़ी पहचान रखते हैं। बहुजन और सपा के मजबूत गठबंधन के लिए बहन कुमारी मायावती ने ये जो चेहरे लिए हैं, ये बहुत मजबूत चेहरे हैं और बहुत मजबूत उम्मीदवार भी हैं। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों पे नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।